दोस्तों नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, हमने एक वीडियो बनाया था इससे पहले पोटेन के बारे में, तो ये वीडियो भी आज हम उसी के सब्जेक्ट के बारे में लेके आए हैं कि देखिए घर में जो यूज़ होता है कॉटन का, जो ये देखिए ये बत्ती है जो आप पूजा पाठ में कहीं भी इसको यूज़ करते हुए आप देख पाएंगे, और इस तरीके से इसको सिर्फ लाइटनिंग करके लंबी वाली बत्ती जो है बनाई जाती है, और इसमें रुई जो है इसका मैक्सिमम यूज़ होता है। तो आज इसी का मार्जिन और चीज़ों के बारे में हम लोग बताने वाले हैं आपको। देखिए, जैसे ये जो है इसका कॉस्ट है आपका रुई की बत्ती, ऐसे इसको हिंदी में बोला जाता है, तो इसका जो कॉस्ट है देखिए 20 रुपये इसका जो है प्राइस है। और इसको अगर आप वज़न करते हैं तो मुश्किल से हो सके तो ये आपका कितना पीस के अनुसार तो छोड़ दीजिए, ग्राम में अगर हो सके तो ये 100 ग्राम 150 ग्राम के हिसाब से होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और 20 रुपये इसका प्राइस हुआ, यानी अगर मान लीजिए 100 ग्राम 150 ग्राम भी होता है, ठीक है, और इसका प्राइस जो है 20 रुपये होता है, तो इसमें अच्छा खासा मार्जिन आपको बिजनेस में मिल जाता है। क्योंकि मार्केट में ये जो चीज़ है आपको केजी के हिसाब से, रुई जो है केजी के हिसाब से मिलता है, और मान लीजिए आपको एवरेज समझिए कि अगर 300 रुपये का आप रुई ख़रीदते हैं तो लगभग 600 रुपये का जो है इसमें आउटपुट निकलता है, यानी ये जो रुई ये जो बत्ती जो निकलता है ये आप पीस करके ये लोग इसमें डालते हैं, केजी से तो नहीं, मैंने वैसे वजन के हिसाब से आपको समझाने के लिए बताया, तो ये लोग ये नंबर आप पीसेस करके मान लीजिए इसमें डालते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना पीस इसमें हो सकता है, और उसके अनुसार इसका ये लोग अपना चार्ज करते हैं। और आप भी चाहें तो अपने घर से लोकल एरिया में, जैसे देखिए इन्होंने क्या किया है, अपना कंपनी का नाम दिया है, ठीक है, जो भी नाम दिया है, और इसमें सिर्फ अपना फ़ोटो लगाया है और कीमत रखा है, और लोकल एरिया में अपना सेल आउट कर रहे हैं, तो इससे अच्छा आप काम कर सकते हैं। जैसे इन्होंने देखिए इनकी क्या है कि ठीक है कंपनी बनाया है, मगर इन्होंने कोई ट्रेडमार्क इसका नहीं करवाया है, कोई इसका ब्रांड रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई ISO सर्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा पैकेट को और भी अच्छा क्वालिटी का बना के इसको प्रिंटेड पैकेट अगर बना सकते हैं और इसको फिर आप सेफ दे सकते हैं अच्छा से, और फिर कंपनी बना के अपना मान लीजिए ट्रेडमार्क बना के अगर मार्केटिंग करें मार्केट में और फिर इसको सेल आउट करें, तो और भी अच्छा स्कोप है इसमें, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सजा के इस बिजनेस को किया जा सकता है, खासकर ये रुई के बत्ती का बिजनेस। और ये घरेलू काम है, आप आराम से घर में चाहें तो 1,00,000 रुपये लगा के भी इस काम को चालू कर सकते हैं। और ये काम ऐसा है कि घर में अगर कोई लेडीज़ है, देखिए सेल्फ डिपेंडेंट काम है, कोई लेडीज़ है तो वो भी सारा दिन चाहे तो आराम से बना सकती है, और अगर आगे एक सेल्समैन है या आप भी अगर मार्केट में शुरू में स्टार्टिंग करें ऑनलाइन बेचें या इसका प्रमोशन करके ऑफलाइन बेचें, तो आपको अच्छा एक मार्जिन हमेशा रेगुलर मिल जाएगा। और ख़ासकर मंदिरों के पास अगर इसका दुकान ज़्यादा मिलेगा आपको, तो आप जानते हैं ये मंदिर वगैरह बहुत हैं भारत में, तो आसान है उसके जगह पे वहाँ पे जाके आपको थोक में बेचना, और ऑनलाइन भी इसको बेच सकते हैं थोड़ा महंगे दामों में, जो मान लीजिए जो लोग जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो है कॉन्सेप्ट है, आप आराम से चाहें तो 50 से 60 हज़ार लगा के ये बिजनेस आप चालू कर सकते हैं, और थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के अपने ब्रांड को सेफ्टी बना सकते हैं। जैसे इन्होंने देखिए इनका कल कोई चाहे तो आराम से ये ब्रांड चोरी कर सकता है, क्योंकि इन्होंने ट्रेडमार्क नहीं लिया हुआ है। तो जब आप कंपनी बना रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी मार्केटिंग कर रहे हैं, सामान को बेचने तक पहुँचा रहे हैं मार्केट तक, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है कि किस तरीके से आप इसको सेफ भी रखें अपने व्यापार को। मान लीजिए सिर्फ घर बनाने से तो नहीं होगा, उसमें दरवाज़ा ताला सब कुछ लगाना पड़ता है ताकि चोरी ना हो, तो ये दरवाज़ा ताला ही है जैसे ISO सर्टिफिकेशन या ट्रेडमार्क, ऐसी चीज़ें जो आपके कंपनी को बचाएगी और आपका ग्रोथ भी दिलवाएगी। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, इसमें हमने मार्जिन बताया आपको, और अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम लोग इसका डिटेल्स सारा आपको PDF में प्रोजेक्ट बना के देंगे और समझा भी देंगे कि और भी ज़्यादा इसमें कैसे काम किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।